हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, अभी हमने इसके पहले वीडियो डाला था, उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें दो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, एक उसमें महिला भी थी, यानी एक लड़की भी थी। तो और बताइए क्या हाल चाल है। आज हम आए थे, असल में जब तक रमजान चल रहा था तो हमारी लड़की जो जगह नौकरी करती है बगल में पनोरामा मॉल है उसमें, तो उसकी टाइमिंग थी रात में 8:30 बजे। अब रमजान ख़त्म हो गया तो टाइमिंग भी चेंज हो गया, अब टाइमिंग है 3 बजे, रात में 10 बजे तक काम करेगी। तो ये तो फिक्स हो गया ड्यूटी की, 3 बजे से छोड़ना है, यानी 2:30 बजे छोड़ना है और 10 बजे ले आना है। और पैसा कुछ भेजना था एक मित्र का, तो सोचे चलिए एटीएम में डिपॉजिट करके और भेज देते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे डिपॉजिट किया जाता है यहाँ पे, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, डिपॉजिट वैसे ही। तो ये आ गए हैं बैंक, ये बैंक है अलराजी का, ये चलिए चलते हैं डिपॉजिट करने। बैंक भी आज बंद है, एटीएम का काम पता नहीं डिपॉजिट का चालू है कि नहीं चालू है, लग रहा है चालू है, देखते हैं। ये एटीएम को डाला, पैसा है, ये डिपॉजिट इधर करोगे तो ये खुल जाएगा, ये अभी देखो खुलेगा, लेकिन ये लिख रहा है अभी कैश डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं होगा तो इसमें कहाँ से होगा। ये भी लग रहा है, ये भी वही है, चलो फिर एक जगह दूसरा है वहां चलते हैं। तो सीन क्या है कि पैसा डिपॉजिट करना था लेकिन एटीएम मशीन जो है ख़राब है, वो डिपॉजिट करने वाला ऑप्शन हमें लग रहा है बंद किया होगा या फुल हो गया होगा, बैंक 2 दिन से बंद है तो इस वजह से हो सकता है फुल हो गया हो, तो यही है प्रॉब्लम। एक जगह और बगल में है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, डिपॉजिट करने की कोई इशू नहीं है, डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद मोबाइल से ही भेज देते हैं अपना सैलरी वगैरह, तो हम मोबाइल से ही भेज देते हैं, मोबाइल में कफिल ट्रांसफ़र करता है हमारे अकाउंट में और भेज देते हैं। लेकिन जब दूसरे का भेजना रहता है तो दोस्त यार का भी भेज देते हैं तो अपने ही मोबाइल से, तो महीने का 20,000 रियाल तक भेज सकते हैं अपने अकाउंट पे, अपने अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं, 20,000 रियाल। तो यही है, और रमज़ान तो ख़त्म हो गया, रमज़ान और स्कूल भी नहीं चल रहा है, रमज़ान में भी दिन में सन्नाटा था और देखो इस समय भी दिन में सन्नाटा है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही ना इस समय, गर्मी तो बहरहाल इंडिया के हिसाब से कम ही है लेकिन है गर्मी, तो गर्मी की वजह से यहाँ पे आदमी बाहर जल्दी दिन में निकलते ही नहीं, रात में निकलते हैं, अगर जिसको जो कोई भी काम रहता है तो रात में निकलते हैं। हालांकि यहाँ की गाड़ियों की एसी बहुत ज़बरदस्त होती है, अपने यहाँ की तो गाड़ियों की एसी फेल हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ती है कूलिंग नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे जो है एसी जो है काम करती है, बढ़िया काम करती है।
तो रेड लाइट, अरे हम जो है रेड लाइट पे पहुंचने के वाले थे कि रेड लाइट रेड हो गई। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि लड़की आई थी तो चाबियां जो है घर पे ही भूल गई, तो फिर से हमको रिटर्न जाना पड़ा उसको साथ में लेकर के घर पे। उसके बाद चाबी लेकर के आए तो फिर दोबारा पहुंचाया। उसके बाद सोचा कि पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। अब हम अच्छा किसी रोड में अंदर जाने, मतलब उसके रोड से होकर के जाने के लिए बहुत हिसाब से बनाए रहते हैं, अंदर चले जाओ अंदर से बाहर निकल जाओ, यही सब है। अब हमको अंदर जाना था क्योंकि ऊपर एक रेड लाइट थी, या तो फिर ऊपर से जाते तो रेड लाइट पड़ता, और अंदर जाने फिर उसको पार करने के लिए रेड लाइट क्रॉस करने के लिए नीचे से हो लिए। उसके बाद तो ये दूसरे एटीएम पे आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे सही है कि खराब है मशीन, प्रॉब्लम है साला। यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि कभी कभी खराब रहते हैं तो सब खराब करके ही बैठे रहते हैं। ये सब तो खराब ही होगा, ये क्यों लग रहा है खुला है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, ये देखो खुला, और इसमें ये सब डालेंगे। इसके बाद काउंट करेगा, देखो काउंट कर लिया 3,350 रियाल। उसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट हो जाएगा। बस सिंपल प्रोसेस है, उसके बाद जितना बैलेंस रहेगा वो बता देगा। उसके बाद कोई अदर ट्रांजेक्शन करना है तो, नहीं तो नो पे करके निकाल लो, आपका ए टी एम निकल जाएगा, बस खलास। तो यही है सिंपल प्रोसेस, फिर चलते हैं दिखाते हैं कि इंडिया ट्रांसफ़र करना है कैसे। 2 मिनट में इंडिया में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। अभी 2 मिनट लगेगा, इंडिया भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, एक बार बना चुके लेते हैं, सोची थी। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, आप लोगों को हम बना के दिखा देते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को जितने भी लोग नहीं जान रहे हैं वो अच्छे तरीके से जान जाए। तो चलिए अपना मोबाइल उठाते हैं और यूआर पे खोलते हैं। तो चलिए खोलते हैं अपना यूआर पे और पैसा करते हैं यूआर पे के वैलेट में डिपॉजिट, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा यूआर पे ऐप खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है और खुल जाता है। खुल गया, अभी देखिए 00 दिखा रहा है। अब बैंक कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जितना हमको ऐड करना है ऐड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल 3,330 रियाल ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, और जो भी बैंक कार्ड एटीएम कार्ड जो उसमें रहता है उस पर क्लिक करके ले लेंगे। फिर अपना सीवीवी नंबर डालेंगे, सीवीवी नंबर डालने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, उसके बाद दिखाएगा कि हाँ इतना कर रहे हैं, फिर कंफर्म ओके करेंगे, फिर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना है। ओटीपी आ गया, देखिए ओटीपी फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे ओके करेंगे, फिल करने के बाद
चलिए फिल करते हैं, फिल कर दिए, सबमिट पे कर दिए। फिर देखिए बोल रहा है कि हाँ पैसा ऐड हो गया। अभी देखिए दिखा रहा है वैलेट में। उसके बाद फिर पे पे इंटरनेशनल पे फिर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर जितना भी बेनिफिशरी ऐड है उस पर क्लिक करते हैं। फ़िलहाल मेरा भेजना है तो मेरे अपने भी ऐड करता हूँ, क्लिक करता हूँ। फिर ट्रांसफ़र भी क्लिक कर दिया। उसके बाद 3330 रियाल जितना पैसा डालोगे ऊपर डालो, यहाँ का रियाल अगर नीचे का, जैसे किसी को 10-5 हज़ार भेजना है तो नीचे डालोगे वो रियाल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पर कभी भी जैसा भी भेजना है उसी हिसाब से डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 10,000 भेजना है तो नीचे 10,000 डालोगे तो उतना ही वो ले लेगा वॉलेट से, बस उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस समय 20 का रेट चल रहा है तो हमको 3330 रियाल डाले। उसके बाद पर्पज आप ट्रांसफ़र पे गिफ्ट और रीजन पे फैमिली फ्रेंड और नीचे जो है ऑन कर दिए आई एग्री, यानी एग्रीमेंट वाले पे ऑन कर दिए। यहाँ भाई हम एग्री हैं तुम्हारे नियम कानून से। उसके बाद दिखाएगा, उसके बाद कंफर्म भी ओके करो। फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपके यूआरपी वाले ऐप से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड फिल करो। लो वेरिफिकेशन कोड आ गया, फिल करते हैं। फिल करने के बाद ओके कर दो, बस पैसा ट्रांसफर एक सेकंड में। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, अभी देखो ये जो ऊपर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र दिखा रहा है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो दिखाएगा अवेलेबल फॉर रिसीविंग दिखा रहा है। मनी ग्राम ट्रांसफ़र के नीचे ही अवेलेबल फॉर रिसीविंग दिखा रहा है। तो पहुंच